हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। आप में जो लोग पहली बार मेरे रीडिंग्स देख रहे हैं, चेकआउट कर रहे हैं, पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइज। अब देखिए, ये एक लव रीडिंग है फॉर द नेक्स्ट 9 days टू बी प्रिसाइज, बिकॉज इस बार लीप ईयर है, 29 फेब तक का महीना है। सो 21st से 29 तक की रीडिंग है ये। इस रीडिंग में हम देखेंगे क्या लव मैसेजेस हैं वर्गो के लिए, एंड लास्ट में हम देखेंगे कि हर एक जोडियक साइन क्या फील करता है, इंटेंशंस क्या है, क्या चाहते हैं वो वर्गो से। आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए लव मैसेजेस फॉर वर्गो फॉर द नेक्स्ट 9-10 days, 21st फेब टू 29 फेब, लव मैसेजेस फॉर वर्गो। ऑफ कोर्स, देखिए हमारे पास यहाँ पे आपका कार्ड है। आपका कार्ड एज इन लाइक आपकी एनर्जी तो नहीं है, 7 of cups है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, बट फैंटेसाइज करना, इमेजिन करना, डे ड्रीम करना, ठीक है? तो ये वर्गो की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी इंसान को लेकर सोच रहे हैं, उसकी इच्छा कर रहे हैं कि अगर ये इंसान मेरे पास होता तो कितना अच्छा होता। हो सकता है आप देखिए, हमारे पास 2 स्टार भी है, तो आप डेफिनेटली विशफुल थिंकिंग कर रहे हैं कि मुझे इस तरीके का इंसान चाहिए, और अगर ये मेरे पास हो तो मेरी जिंदगी कैसी होगी। आप एक इमेजिन कर रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं अपनी आगे की लाइफ, हो सकता है मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, बट मुझे थोड़ी सी डे ड्रीमिंग की भी वाइब आ रही है। थोड़ा सा इमेजिनेशन और फैंटेसाइज करने वाली जो चीज है, विजुलाइज करने वाली जो चीज है, वो थोड़ी ज्यादा हो रही है। हो सकता है आप में से कई लोग सिंगल हैं, या फिर जिस तरीके का रिलेशनशिप आपको चाहिए वैसे रिलेशनशिप में नहीं है, कुछ और ही भलते से रिलेशनशिप में है आप, जो आपको शायद नहीं पसंद है, बट आप गिव अप नहीं कर रहे हैं। आप अभी भी होप मेंटेन करी हुई है आपने कि ये इंसान मेरी लाइफ में आएगा, कभी ना कभी मुझे उस तरीके का प्यार मिलेगा जो जैसा मुझे चाहिए, ठीक है? तो आप गिव अप नहीं कर रहे हैं, सोचते हैं काफी इस इंसान के बारे में। आप जेमिना, लिब्रा, एक्वेरियस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, 2 एम्प्रोर है हमारे पास, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये इंसान मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है, या एरीज या लियो या सैजिटेरियस। ध्यान रखिएगा, किसी का सन साइन भी हो सकता है, किसी का मून साइन भी हो सकता है, तो सिर्फ सन साइन पे फोकस मत करिएगा, बट ये इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है या ऑलरेडी है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत मिलेगी आपको इस इंसान से, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड एक यूजुअल स्टेबिलिटी, लाइक ठहराव बहुत मिलेगा इस इंसान के आपकी लाइफ में एंटर करने से, ठहराव मिलेगा। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान ना बहुत एम्बिशियस है अपने करियर को लेकर, कि आगे निकलना है, लाइक करियर पे बहुत कंसंट्रेशन है, डिटर्मिनेशन है, सक्सेसफुल है, ये अथॉरिटेटिव है, पैसे औहदे से, पैसे से, पावर से, जो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, जो प्रोफेशन, जो डेजिग्नेशन, सब कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत सक्सेसफुल है। एंड ये थोड़ा सा ना लीडरशिप इनकी वाइब दिख रही है मुझे, लोग इनको फॉलो करते हैं। हो सकता है कोई टीम हो इनकी, तो टीम मेंबर्स हो बहुत सारे, ये लीडर हो, या फिर कहीं पे कुछ हेड हो, किसी हेड ऑफ अ डिपार्टमेंट या हेड ऑफ अ कंपनी, बट ये लोगों को लीड करवाते हैं, लोगों को एग्जाम्पल सेट करते हैं, उनको सिखाते हैं, उनको बताते हैं कि क्या करना है, एंड लोग उनको फॉलो करते हैं। इस तरीके की इनकी कोई जॉब भी हो सकती है, बट मुझे बहुत बोल्ड इंसान दिख रहे हैं, बहुत ब्रेव दिख रहे हैं, काफी कॉन्फिडेंट हैं, ब्रेव हैं, कंफर्ट जोन में नहीं रहते हैं ये। इनको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पसंद है, डिफरेंट चीजें करना पसंद है, बोल्ड स्टेप, बोल्ड एक्शन लेना, जो कि कहते हैं ना एक सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से ना हो चीज, हायरोफेंट के टोटल ऑपोजिट, सोसाइटी के हिसाब से ना हो चीजें। हायरोफेंट टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न का कार्ड होता है, और उसमें होता है सोसाइटी के हिसाब से चीजें करना। यहाँ पे वो कार्ड नहीं है, बट मैं आपको यूजली बता रही हूँ कि एक होता है ना एक नॉर्म्स फॉलो करना, प्रोसेस फॉलो करना, ये वैसे नहीं है, ये ऑपोजिट है। ये कंफर्ट जोन से बाहर निकल के काम करते हैं, बोल्ड ब्रेव स्टेप लेते हैं, जो कभी किसी ने नहीं किया होता है, ठीक है? तो ऐसे इंसान आपकी लाइफ में आ सकते हैं। हो सकता है आप ऐसे इंसान के बारे में ड्रीम करते हो, सोचते हो कि जब ये इंसान आएगा तो शायद ये इंसान मुझे मेरे कंफर्ट जोन से बाहर निकाले, वैसा भी हो सकता है। एरीज की क्या फीलिंग है टुवर्ड्स वर्गो? देखिए, अगर आप किसी एरीज के साथ डील कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है वो आपको पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, बट उनको लग रहा है कि आप मूव ऑन नहीं कर रहे हो,
अपने एक्स से, अपने पुराने रिलेशनशिप से मूव ऑन नहीं कर रहे हो, इसलिए वो एक जगह रुक से गए हैं कि जब आप मूव ऑन करोगे तब वो आएंगे आपकी लाइफ में। टॉरस की क्या एनर्जी है टुवर्ड्स वर्गो? आई थिंक झूठ सच है, झूठ सच मैनिपुलेशन, माइंड गेम्स हैं, कुछ दिखाया कुछ और जा रहा है, सच्चाई कुछ और है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ ज्यादा आगे बढ़ना चाहिए इस इंसान के साथ। जेमिनाई की क्या एनर्जीज हैं टुवर्ड्स वर्गो? आपकी खुशी में ही जेमिनाई की खुशी है, अगर आप खुश रहेंगे तो रिश्ता अच्छा रहेगा, तो वो खुश रहेंगे, ये उनका बिलीफ सिस्टम है। तो उन जेमिनाई के लिए आपकी खुशी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंसर की क्या एनर्जीज हैं टुवर्ड्स वर्गो? देखिए, अगर आप किसी कैंसर के साथ डील कर रहे हैं तो प्रिपेयर हो जाइए, तैयार हो जाइए हैरान होने के लिए, कुछ बहुत डिफरेंट कर सकते हैं ये इंसान। आपको लग रहा था कि ये चले गए हैं, एग्जिट मार लिया है इन्होंने आपकी लाइफ से, अब वापस नहीं आएंगे, आ सकते हैं, सॉरी बोल सकते हैं। आपको लग रहा था ये इंसान कभी सॉरी नहीं बोलेंगे, बट कुछ डिफरेंट हो सकता है कैंसर की तरफ से, जो आप कभी प्रिपेयर नहीं थे उस चीज के लिए, आप प्रिपेयर हो जाइए। लियो की क्या एनर्जीज हैं टुवर्ड्स वर्क? देखिए, लियो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, बट आई थिंक आपने अपने आप को कहीं पे बंद कर रखा है अंधेरे में, तो आपको लाइट ऑन करने की जरूरत है, आपको थोड़ा सा एफर्ट लेने की जरूरत है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की जरूरत है, अपने घर से बाहर निकलने की जरूरत है। द एम्परर, अगर आपको ये इंसान अपनी लाइफ में चाहिए, एरीज लियो सैजिटेरियस, तो आपको भी अपने घर से बाहर निकलना पड़ेगा, अपनी लव लाइट ऑन करनी पड़ेगी। बिकॉज यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप यूनिवर्स को ना कुछ इस तरीके का मैसेज दे रहे हो कि नहीं, मुझे कोई नहीं चाहिए। आप जब एफर्ट नहीं लेते हो तो यूनिवर्स एक मैसेज लेता है अपने आप ही, वो ये परसीव कर लेता है कि आपको कोई चाहिए नहीं, तो फिर वो कोई इंसान आपकी तरफ भेजता नहीं है। तो थोड़ा अपनी तरफ से भी एफर्ट लीजिए। वर्गो की क्या एनर्जीज हैं टुवर्ड्स वर्गो? आपके आसपास ही हैं, डेफिनेटली आपके आसपास है वर्गो, अगर आप किसी और वर्गो से डील कर रहे हैं तो। बट शायद आप इनफैक्ट हमेशा ही आपके आसपास रहे हैं, बट आप उनको कभी उस नजर से देखा ही नहीं आपने, ना उन्होंने आपको देखा ना आपने उनको देखा, बट ये इंसान आपके आसपास ही है। लिब्रा की क्या एनर्जीज हैं टुवर्ड्स वर्गो? आई थिंक लिब्रा को जिस तरीके का इंसान चाहिए, जो क्वालिटीज चाहिए, जो उनकी एक लिस्ट है, वो उनको पता है कि आप में है, आप में वो खूबियां हैं जो उनको एक अपने पार्टनर में चाहिए, एंड दैट इज वाई वो आपको पसंद करते हैं, आपकी तरफ इंटरेस्टेड है आप में। स्कॉर्पियो की क्या एनर्जीज हैं टुवर्ड्स वर्गो? स्कॉर्पियो आपको बहुत पसंद करते हैं, आप उनको बहुत अडोरेबल लगते हो, क्यूट लगते हो, वो डेफिनेटली आपसे एक कहते हैं प्योर फॉर्म का रिश्ता बनाना चाहते हैं। सैजिटेरियस की क्या एनर्जीज हैं टुवर्ड्स वर्गो? सैजिटेरियस को लगता है कि आप में वो खूबियां हैं जो उनको चाहिए अपने एक पार्टनर में, तो वो डेफिनेटली आपकी तरफ आते दिख रहे हैं। कैप्रिकॉर्न की क्या एनर्जीज हैं टुवर्ड्स वर्गो? आई थिंक फिजिकल इंटीमेसी है, बट बहुत शॉर्ट टर्म है, कोई बहुत लॉन्ग टर्म या प्योर फॉर्म की फिजिकल इंटीमेसी नहीं दिख रही है, बहुत शॉर्ट टर्म, थिंग्स आर अबाउट टू गेट रियली जूसी, बट फिजिकल इंटीमेसी यस। एक्वेरियस की क्या एनर्जीज हैं टुवर्ड्स वर्गो? एक्वेरियस, आप में वो जो चीजें हटके हैं थोड़ी सी, चाहे वो आपके फिजिकल एट्रीब्यूट्स हो गए, आपकी पर्सनालिटी हो गया, आपका नेचर हो गया, बट जो चीजें आपको डिफरेंट बनाती है बाकी सबसे, वो चीजें बहुत पसंद है एक्वेरियस को आप में। इनफैक्ट उन्हीं चीजों की वजह से एक्वेरियस आपकी तरफ और आकर्षित होते हैं, या हो रहे हैं, या आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं। पाइसिस की क्या एनर्जी है टुवर्ड्स वर्गो? पाइसेस आपके साथ चीजें सिंपल रखना चाहते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहते हैं, हो सकता है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं चाहते हैं, शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, बट ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहते हैं ये कनेक्शन में। बट यस, मोस्टली मेरे पास यही मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से वर्गो। अगर आपको रीडिंग पसंद आए, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कॉमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी इमरामा फैमिली का। थैंक यू, बाय।